राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में पेगासस पर चर्चा करें। ममता बनर्जी के सांसद संसद में इसी वजह से हंगामा करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या विपक्ष पेगासस पर चर्चा करने के लिए तैयार है या नहीं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर ना तो तैयार है और ना ही गंभीर है। उन्होंने टीएमसी नेता द्वारा सरकार के मंत्री के हाथों से पेपर छीनकर फाड़ने और उसको हवा में उछालने की भी कड़ी आलोचना की है। उनका कहना था कि पेगासस पर जब मंत्री अपनी बात सदन में रख रहे थे, तभी इन लोगों ने उस पेपर को फाड़ दिया। इन लोगों में कोई गंभीरता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के पास भी कांग्रेस पार्टी से पूछने के लिए कई तीखे सवाल हैं, जिनका जवाब सदन के जरिए उन्हें चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कांग्रेस पर भी सवाल दागा और पूछा कि क्या कांग्रेस और विपक्ष वास्तव में संसद में चर्चा चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जिस पेगासस के मुद्दे पर विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है और चर्चा की मांग कर रहा है, क्या उन्होंने इसका आज तक कोई सबूत भी दिया है कि इस किनका फोन टैप हुआ है और किनका नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कोविड-19 को लेकर भी गंभीर नहीं है। जब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बारे में बैठक बुलाई, उसमें कांग्रेस भी कभी शामिल नहीं हुई। उसकी इस मुद्दे पर इतनी ही गंभीरता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने 1947 के बाद से करीब 50 साल शासन किया है, लेकिन अब जबकि वो सत्ता से बाहर है तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग है। ये देश भी जानना चाहता है कि कांग्रेस का ये व्यवहार कितना उचित है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सदन को लेकर कांग्रेस का एक सीधा नियम है, जब तक परिवार का हित रहेगा तब तक वो सदन को चलने देगी, और जब ऐसा नहीं होगा तो वो सदन नहीं चलने देगी। भाजपा नेता और केंद्रीय पूर्व मंत्री रविशंकर ने इस मौके पर ओलंपिक हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हॉकी में भारत की जीत से देश में खुशी और उल्लास का माहौल है। इसके अलावा उन्होंने 5 अगस्त के दिन को बेहद शुभ बताया और कहा कि 2 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। पिछले वर्ष आज ही के दिन भगवान राम के भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।